बाय बाय बेटा बेटा कैमरे में हेलो बोलो। आ जाओ बच्चा कैंग सभी आ जाओ। तो गाइस अभी हम चलते हैं, हम ये दोस्त के यहाँ पे रुके थे, ये इनका घर है और बहुत अच्छा खातिरदारी की भाई साहब ने। चलो ठीक है भाई ना। ओए बाय बेटा दोबारा मिलेंगे। चलो आराम से है। हाँ कैमरा चालू है। चलो आ जाओ एक एक निकलो। चल अभी दे चल चल। हाँ चलो आप भी निकलो रॉयल एनफील्ड। चलो ठीक है अंकल जी ना। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी यहाँ दोस्त के यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में बरखेड़ा एक गांव है, यहाँ पे रुके हुए थे हम। नाइट को स्टे किया यहीं पे ही। और भाई साहब दोस्त ने बहुत अच्छी खातिरदार की, एकदम शानदार, बहुत अच्छा लगा। बेचारे की फैमिली बहुत अच्छी गई। तो हम लोग थे, दो गाड़ियाँ ऑलरेडी पहले ही आगे जा चुकी हैं। तो अभी हम चल रहे हैं। और गाइस देखो ढाणी मतलब गांव में, कल मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि बैटरी डिस हो गई थी कैमरे की। तो गाइस अब दिखाऊंगा मैं आपको क्या व्यूज है। अरे एकदम बिल्कुल रोड शानदार है। एक शाम एक तरीके से ढाणी है, मतलब एक पुराने गांव की तरह बहुत अच्छी फीलिंग आई है यहाँ पे, शानदार। अगर गाइस कहीं पे रुकने की जगह अगर ऐसा गांव जैसा मिल जाए ना तो फिर मज़ा आ जाता है। सिटी में तो हम रहते ही हैं लेकिन गांव में जो रहने में जो मज़ा, गांव में सच में बता रहे हैं मज़ा आ गया बिल्कुल ही। और गाइस यहाँ पे बहुत अच्छा प्यार मिला सच में, और बढ़िया रात को सोने के लिए भाई ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। यहाँ पे उनका घर ही था तो एक गांव में जो प्यार मिलता है ना गाइस, जो सिटी में नहीं है। गांव में इतने अच्छे से रखते हैं, हम लोग 9 लोग थे तो 9 लोगों को प्यार अच्छा दिया था। ये गांव में भैंस है। ओहो भैंस के चक्कर में ध्यान नहीं रहा। ये गाय देखो गांव में एकदम, मतलब ये गांव ऐसा है गाइस ना पूरा पहाड़ पे बसा हुआ है। क्या हो गया, क्या हुआ? गाइस ये देखो गाय भैंस। इस गाय के कैसे सींग है, एकदम 12 सींग है जैसे। वाह अब तो रहती भी। तो गाय सुबह सुबह मौसम भी अच्छा है, शानदार है, साथ दे रहा है मौसम भी हमारा। कल भी बेचारे खूब साथ दिया। और गाय देखो पहाड़ है कितने अच्छे लग रहे हैं, एक तेरा मसूरी वाली राइड हो गई है। जो मज़ा यहाँ पे आया है वो कहीं नहीं है। कल गाइज क्या है, ABS है मेरा, ABS बंद हो गया था, यहाँ ABS का मार्क आ रहा था तो मैंने खुद नहीं ठीक कर लिया। वो क्या पेच का से लेदर चिपक गए, तो चिपकने की वजह से ना मैं यहाँ पे, अभी मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे जो लीन वीन करना, मतलब लीन करने में मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि टायर ऐसा लग रहा था कि गिर जाए।
भाई जैसा इतना अच्छा व्यूज है, इतना अच्छा शानदार मतलब घुमाव है। और यहाँ पे शुभम भाई को लीन करने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन थोड़ा क्या है ना, रोड ऐसा है ऊपर खावड़, तो क्या है ना बाइक का टायर है ना वो सही सेट नहीं हो पाता। ये देखो लीन कर रहे हैं सब लोग, मुझसे तो देखो फिर वही दिक्कत। सेमलपुरा 6 किलोमीटर, तो कह दिए चित्तौड़गढ़ से 10-15 किलोमीटर दूर है गांव है। तो कल हम दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देख दुर्ग को देख के वहाँ पे कुंभलगढ़ वो क्या बोलते हैं कौन सा स्तंभ था, एक तो कीर्ति स्तंभ और एक तो कौन सा स्तंभ मैं भूल गया, वो सारे स्तंभों को देख दाख के और यहाँ पे आए। और गैस फ्यूल तो अभी भी है, 341 चल रही है, वैसे तो 400 लगभग चल जाती है। ये देखो गायें 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 गायें, देखो सुबह सुबह हम देखो पहाड़ों पे चल रहे हैं, मतलब बड़ा शानदार नज़ारा है एकदम पहाड़ों का। यार ये जो व्यूज में दिखाने वाला ओहो ये कहाँ कूद गया, इधर कहाँ जा रहा था भाई, वो घुमाने के चक्कर में से ध्यान नहीं रहा होगा। यहाँ की रोकी है गाड़ियाँ, चलो तो वैसे कल यहाँ पे फोटोशूट हुआ था कल शाम को, हमने इधर की तरफ बहुत अच्छा मैंने डाल भी दिया था स्टोरी में और आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, शॉर्ट्स वीडियो मिल जाएगा। और गाइज ये देखो गाइज कितना अच्छा नज़ारा है यार, सच बता रहा हूँ एक नंबर व्यूज है, शानदार बिल्कुल ही। मुझे लग रहा है न्यूट्रल करने में फायदा है, अब यहाँ लीन करेगा पक्का। शुभम यहाँ पे लीन करेगा, ओहो ओहो भाई, दिए देखो नज़ारा एकदम मसूरी की तरह, पूरा नीचे भी है रोड, हम उधर होके ही चल जाएंगे सब, आप बस देखते जाओ नज़ारा क्या मस्त लग रहा है। उधर गाइस वो रोड दिख रहा है ना, हमको उधर होके ही आना है। तो गाइस यहाँ पे हमें ना एक बार और आएंगे बारिश के मौसम के टाइम,
न्यूट्रल कर ली भाई, हम भी न्यूट्रल कर लेते हैं। अब न्यूट्रल करने में कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब ऐसा ही रोड मिलेगा, सैलमपुर चौराया। ओ तो गाइज ये देखो, हम उधर से आए हैं जस्ट पहाड़ के पहली तरफ से, और इसमें इतनी अच्छी घाटियाँ, लहरना है ना, सब कुछ हो रहा है, शानदार लग रहा है। हे ये देखो गाइस, सभी लोग चल दिए, और गाइस देखो कितना अच्छा नज़ारा है, सच में उतारो बहुत शानदार, वाह एक नंबर, चार पांच गाड़ियाँ शानदार लग रही हैं। सुबह सुबह गाइस कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है, अब या बारिश के टाइम आएंगे ना जब मज़ा आएगा यहाँ पे, तो एक नंबर बिल्कुल। ये देखो गाइज इधर पूरा मतलब जंगल का वो है, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, और यहाँ पे जो